हेलो फ्रेंड, मैं रशीद किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए, उसका नाम है सोया के कबाब। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमने 1 कप चने की दाल ली थी, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 कप सोया की बरी ली थी, जिसको हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 चम्मच, और थोड़े खड़े मसाले लिए हैं, नमक 1 चम्मच, और प्याज 1, और हरी मिर्च भीगी हुई दाल डाल दी है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, 1 प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट पिंच भर हींग डाल के इसको हम 1 कप पानी डाल के गैस पे चढ़ा देंगे। और 2 विसल के बाद हम 3 से 4 मिनट के गैस धीमी कर देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ये हमारी दाल उबल गई है अच्छे से, अब हम इसको पीस लेंगे। इधर हमने सोया की जो बरी भिगोई थी उसको भी अच्छी, ज़्यादा दाल में हो जाए तो अब उसको छान दीजिए, और छान के जब वो ठंडी हो जाए तब उसको पीसिए। अब जब तक हमारी दाल ठंडी हो रही है, तब तक सोया की बरी जो हमने भिगोई थी उसको अच्छे से वॉश कर लिया, उसे अब हम पीस ले रहे हैं। इसको हमें सूखा ही पीसना है, गीला नहीं होने दीजिएगा, वरना हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए हमारी सोया को हमने पीस लिया है, अब हम दाल पीस रहे हैं। ये देखिए हमारी दाल भी पीस गई है, अब हम इसको सोया की जो बरी हमने पीसी थी उसमें मिला देंगे। 2 नींबू का जूस है वो हम डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक 1 चम्मच स्वाद के अनुसार, और 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, जिसको हम क्रश करके इसमें डालेंगे, और हम थोड़ा कटा हुआ प्याज, धनिया वो भी डालेंगे। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, थोड़ी महीन महीन काट के, तो उससे स्वाद और भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा काला नमक, 1/2 टीस्पून हम काला नमक भी डाल लें। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल लें, घी डालने से भी इसका स्वाद और अच्छा आता है, और हरी मिर्च भी हम काट के डालेंगे। ये देखिए हमने हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब हम इन सबको एक हला डाल लें, और 1 टीस्पून चना मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हमने चना मसाला भी डाल दिया है। अब हम इन सबको मिला के एक टिक्की बना के सेकेंगे। अब हम इनकी गोल गोल करके रख दें, इसी तरह हम अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे। हमारा पैन भी गर्म हो गया, और अब हम जो अपने कबाब बना रहे हैं वो उसमें हम डालेंगे घी। हमारा पैन गर्म हो गया, और हमने इस तरह अपने छोटे छोटे कबाब बना लिए हैं, हाथ में घी लगा के किया था। और जब उधर पैन में हम घी डालेंगे, फिर हम अपने कबाब सेकेंगे, और धीमी धीमी आंच पे हमें कबाब सेकने हैं। पहले आंच तेज रखनी है, बाद में धीमा करना है। ये देखिए हमने कबाब पैन में तेल भी डाला है, और अपने जो कबाब बनाए हैं वो डालना है। अब इनको हम धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, पहले आंच तेज है फिर धीमी कर रहे हैं, और इनको सुनहरा होने तक हम सेकेंगे। जब एक तरफ सिक जाएगा तभी हम कबाब पलटेंगे। ये देखिए हमारे कबाब एक तरफ सिक रहे हैं, अब हम इनको धीरे से पलट देंगे, और धीरे धीरे पलटना है। देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं। आपको अपने साथ आप इन कबाब को पराठे के साथ या रुमाली रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए हमारे आप कबाब कितने अच्छे सिक रहे हैं, और इनको देखिए कितना अच्छा कलर आया। आप मेरी रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, और बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए वो ऐसे निकाल लेना है सारे कबाब। ये हमारे सोया के कबाब तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे चटनी के साथ, प्याज, नींबू, और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर। इसके साथ इसको खाने का इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Thank you.